हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि आर्मी मेस में आ चुकी है बम्पर वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज आर्मी की बम्पर वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है बम्पर वैकेंसी का, जो कि आर्मी मेस की तरफ से निकाली गई है। इस साल 2023 की ये नई भर्ती है, जो कि 7,256 पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। दोस्तों, अगर आप भी इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा क्योंकि हम आपको डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं इस भर्ती की आज के इस वीडियो में। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो भर्ती है ऑल इंडिया की भर्ती है, यानी कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप जो है इस वैकेंसी के लिए 100% अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन में केवल 10वीं पास कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है। ठीक है, अगर आप 12th या ग्रेजुएट पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल पोस्ट पर वैकेंसी है, यानी कि ये जो वैकेंसी है ग्रुप सी की वैकेंसी है। तो दोस्तों, डिटेल्स में जानकारी देंगे, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी से शिकायत भी रहती है कि आप वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। रोजाना इसी प्रकार नई जॉब्स की अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी मेंस भर्ती 2023 के बारे में, जिसका नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है बम्पर वैकेंसी का। 7,256 पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है और इस भर्ती के लिए जो एज लिमिट है वो कम से कम 18 साल है, अधिकतम जो है 30 साल है। यानी कि दोस्तों, अगर आपकी एज है 18 से 30 तो आप 100% एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में 10th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और इसके आवेदन कब से कब तक चलेंगे, कंप्लीट जानकारी के लिए चलिए आपको सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। दोस्तों, हमारी जो नंबर वन वेबसाइट है वो है टिप्स वायरल बस डॉट xyz। यहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब्स की अपडेट दी जाती है। सो फ्रेंड्स, रोजाना आप इस वेबसाइट पर विजिट करते रहे, यहां पर आपको रोजाना नई जॉब्स की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। वहीं सेकंड नंबर की जो वेबसाइट है वो है neovoltaic.co.in। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज मेस की तरफ से आ चुकी है नई भर्ती, जो कि आर्मी की भर्ती है। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप जो है इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यहां पर आपको अप्लाई करने का लिंक, साथ ही साथ नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको यहां पर मिल जाएगा। तो चलिए कंप्लीट जानकारी आपको वेबसाइट के थ्रू देते हैं। दोस्तों, आर्मी मेस रिक्रूटमेंट 2023 आ चुकी है, जो कि आप देख सकते हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की तरफ से है। यहां पर जो वैकेंसी है मल्टीपल जॉब से, जूनियर इंजीनियर जेई की वैकेंसी है, सुपरवाइजर की वैकेंसी है, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है, मीटर रीडर की है, मैट की है, यूडीसी क्लर्क की है, एलडीसी क्लर्क की है, ड्राफ्ट मैन की है, और भी काफी सारी वैकेंसीज हैं। ग्रुप डी से ग्रुप ए तक की वैकेंसी यहां पर निकाली गई है। वहीं दोस्तों, टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 7,256 पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है, जो कि इस साल 2023 की बड़ी भर्ती है। आवेदन सिर्फ आपसे ऑनलाइन मांगे जाएंगे। ठीक है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। और जॉब लोकेशन जो है ऑल इंडिया की रहेगी। सिलेक्शन का प्रोसेस केवल रिटन एग्जाम के थ्रू रहेगा, आपका एग्जाम होगा, और सैलरी आपको 20,200 से 56,100 रुपए पर मंथ मिलेगी। और एज लिमिट जो है 18 साल है कम से कम, मैक्सिमम जो है 30 साल है, और आई सीमा में छूट भी रहेगी रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए है, एससी एसटी के लिए फ्री है, और पेमेंट सिर्फ आपको ऑनलाइन करना होगा अदर कैंडिडेट्स को। वहीं दोस्तों, क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, कम से कम 10वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वहीं 12वीं पास, आईटीआई पास, डिप्लोमा पास, डिग्री पास सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि यहां पर जो पोस्ट है एमटीएस की पोस्ट है, इसके लिए केवल 10वीं पास, मीटर रीडर के लिए भी 10वीं पास, मेट के लिए भी 10वीं पास, यूडीसी के लिए 12वीं पास, और यहां पर आप इससे सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए ग्रेजुएट पास, डिप्लोमा पास भी अप्लाई कर सकते हैं जेई की वैकेंसी के लिए। अब बात कर लेते हैं कि इस भर्ती के आवेदन कब से कब तक चलेंगे। तो दोस्तों, जून के सेकंड वीक से इसके आवेदन ऑनलाइन शुरू हो रहे हैं, नोटिफिकेशन इसका शॉर्ट जारी हो चुका है, चेकआउट कर सकते हैं, यहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, वहीं दोस्तों, आवेदन जैसे शुरू होते हैं चरण के थ्रू आपको सबसे पहले अपडेट किया जाएगा, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आपको आर्मी मेस की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।